नमस्कार, मैं हूं अदिति मिश्रा। आप देख रहे हैं हम आप तक न्यूज चैनल। आज की बड़ी खबर मधुबनी जिला से है, जहां कल स्थानीय निकाय के चुनाव संपन्न हुए, जिसमें सभी जनप्रतिनिधियों ने मतदान किया और बिहार में आधी आरक्षण महिलाओं को दिया गया है, जिसके कारण पंचायत से जीत कर आए प्रतिनिधियों में महिलाओं की संख्या में काफी इजाफा देखा गया। मधुबनी जिला के घुघटिया प्रखंड मुख्यालय मतदान केंद्र पर मतदान करने के लिए माननीय बिहार सरकार परिवहन मंत्री भी मतदान करने पहुंची थी। मैम, जैसे यहाँ भी महिला है, एक अच्छा सब बूथ पर है, मतलब काफी अच्छा जो तस्वीर दिख रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, ये तो आप जो तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर तो जाहिर कर रहा है कि पंचायती चुनाव में जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 50% का आरक्षण दिया है, उसी का परिणाम है कि आज इस क्षेत्र में, हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी। चाहे वो आप देखिए पंचायती स्तर का हो, वार्ड पार्षद हो, मुखिया हो, जिला पार्षद हो, विधायक हो, मंत्री हो, और पुलिस विभाग में भी महिलाओं की भागीदारी, तो सभी क्षेत्रों में जो महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है वो माननीय मुख्यमंत्री जी की ही देन है, जिसकी वजह से आज सभी महिलाएं देखिए कितना उत्साहित है और सबको वोट देने का अधिकार मिला, तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी की जो हम लोग के लिए सौभाग्य का बात है। हम लोग तो चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी महिलाओं के लिए जितना किए हैं, हम लोग तो उनके ऋणी हैं। हर महिला, पूरे बिहार की महिला उनकी ऋणी है कि आज महिलाएं सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं, उनका देने के धन्यवाद। आपका नाम क्या हुआ? गौरी देवी मुखार। तो आप किसके समर्थन में हैं? आपके लिए जैसे विनोद सिंह से क्या आशा रखते हैं कि वो आपके लिए क्या काम करेंगे? हम तो विनोद सिंह का काम से करबे करथिन, लेकिन हमसब नीतीश जी के लिए, आज नीतीश जी महिला आरक्षण देलखिन, ताहि कारण आज हमसब एत तक पहुँचलिए जे वोट गिरबे के हमरा सबके मौका भेटलै हँ, ताहि दुआरे हमसब नीतीश जी को वोट कए रहल छी। विनोद जी, आप बताएंगे आप वोट दे के आए हैं तो किनके समर्थन में? देखिए, समर्थन अभी क्यों ओपन करेंगे, क्योंकि हम महिला को जो मेरा अधिकार मिला है, उसको अधिकार हमें ये मौका मिला है कि हम लोग। तो आप वोटिंग करके आए हैं तो वहाँ पे क्या आपको क्या लगा कि कोई धांधली भी हो रहा था? नहीं, शांतिपूर्वक है।